सोचो तुम एक लड़की हो और कोई तुम्हारा बलात्कार कर दे, तुम्हारा मुंह बंधा हुआ हो, कपड़े फट रहे हो, तुम गिड़गिड़ा रहे हो, पर तुम्हें सुनने वाला कोई ना हो, कैसा लगेगा? वो तुम्हें नोच रहे हो, काट रहे हो जानवरों की तरह, पर तुम्हें देखने वाला कोई ना हो तो कैसा लगेगा? क्या खुदा ने तुम्हें बनाते हुए दिल नहीं दिया? इतना ही है तो अपनी माँ के साथ करो, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हो यार? इतना ही है तो अपनी माँ बहन के साथ करो। छोटी सोच वालों, तुम्हें छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम है ना? लड़कियों के छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम है ना यार? ये तो 8 साल की बच्ची थी यार, ये इसे छोटे कपड़े पहन के तो नहीं घूम रही थी ना यार? फिर इसे भी नहीं छोड़ा तुमने, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। छोड़ो यार, अब क्या कहूंगा तुमसे, बस ये दुआ है रब से, रेपिस्ट न जाए बच के, असिफा को मिले इंसाफ, वो भी हक से, #justiceforasifa। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असीफा, मुझे दुख इस बात का है कि आपको इस दुनिया में काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, पर सुकून इस बात का भी है कि आप इस जहन्नम से काफ़ी अच्छी और सुरक्षित जगह पर हो। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, पर अब बस अब कुछ करने का टाइम आ गया है। कितने साल की लड़की थी? साहब 8। तावड़े कितने लोगों ने रेप किया? साहब 7। तावड़े इसके हाथ खोल। लाला हाथ दिखा जरा, हाथ दिखा 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 दिखा। अरे जी, ला 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 ला
ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। इससे कहीं ज्यादा दर्द, इससे कहीं ज्यादा दर्द उस छोटी बच्ची को हुआ होगा जब तुम सात लोगों ने मिलके एक के बाद एक उसके साथ रेप किया होगा।